मौसम समाचार में आपका स्वागत है मौसम की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें एम टीवी न्यूज इंडिया को अगले दो दिन गरज चमक के साथ लगातार होगी बारिश घने से घने कोहरे के बीच तिरपन जिलों में बारिश का अलर्ट आपको बता दें चार जनवरी को दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की झटपट बारिश की संभावना है और अगले दिन में वृद्धि हो सकती है पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है वहीं देश के कई राज्यों में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है लेकिन आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ने वाला है भारत भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य के कुछ हिस्सों में पांच से ग्यारह जनवरी के बीच तापमान में गिरावट होने और शीतलहर चलने की संभावना जताई है आई ने पांच से ग्यारह जनवरी तक तापमान में गिरावट की भविष्यवाणी की है जिससे कुछ उत्तरी राज्यों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है आई ने इस अवधि के दौरान रात के तापमान में कमी से मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की स्थिति बन सकती है दिन का तापमान भी औसत से नीचे रहने की उम्मीद है खासकर मध्य प्रदेश उत्तरी महाराष्ट्र दक्षिणी उत्तर प्रदेश हरियाणा और राजस्थान में जिससे ठंडे दिन की स्थिति बनेगी आई ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख में जनवरी माह में बारिश के सामान्य से अधिक होने की संभावना भी जताई है वहीं आईएमडी ने अगले तीन दिनों में लक्षद्वीप में भारी बारिश और तेज़ हवाओं जैसे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह भी दी है आईएमडी के पूर्वानुमान में उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत के कुछ मैदानी इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा शामिल है वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के इलाकों में कोल्ड डे जैसी लेकर गंभीर कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है स्काई मैंड वेदर के अनुसार पाँच जनवरी को दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की झिटपुट बारिश की संभावना है इसके अलावा अगले दिन में वृद्धि हो सकती है पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश पश्चिमी बंगाल सिक्किम बिहार झारखंड उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है पंजाब के कई हिस्सों में कोल्ड डे से लेकर सुयर कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है अगले 48 घंटे के भीतर कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होगी जिससे मौसम में और नमी आएगी और मौसम का मिजाज और सर्द होगा वहीं सुबह शाम घने से बहुत घने कोहरे देखे जा सकते हैं विभाग ने यूपी के पंद्रह जिलों में ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है अड़तीस जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा इतनी सर्दी के बीच ये होने वाली बारिश प्रदेश के दिन के तापमान में गिरावट ला सकती है मौसम से जुड़ी जानकारी लाइव मौसम खबरों के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें